और हम लोग राज्य सरकार में भी जो योजना चलाएंगे हम लोग, उसमें भी अग्निवीरों की बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम अपने स्टेट में लाखों लाख पैरामिलिट्री, जो हमारा PSU है, BMP है, सैप के जवान होते हैं। सैप याद कीजिए, 8000 सैप ने पूरे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया था, वो मिलिट्री मैन थे। और यदि 22 वर्ष का नौजवान हमको मिलेगा, जो पढ़ने में भी आगे भी पढ़ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे ही पास आए, हो सकता है कि और अच्छा नौकरी ले ले, और साथ ही साथ उसको लगभग 12 लाख रुपया भी प्राप्त होगा। तो एक पूरी व्यवस्था किया गया है। दुनिया में लगभग 73 ऐसे देश हैं जिस देश में पूरी तरह मिलिट्री का ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है, लेकिन हमारे पास इतनी बड़ी आबादी है, इसको ताकत बनाना है, इसको सक्षम बनाना है, इसको स्वस्थ बनाना है, इसलिए इसको मिलिट्री की भी ट्रेनिंग होगी, रोजगार की भी ट्रेनिंग होगी, और ज़रूरत पड़ा तो वो परमानेंट नौकरी भी वहाँ परीक्षा पास करके उनको चीज़ों को स्थापित कर सकते हैं। इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जिनको भी कन्फ्यूजन है वो लोग समझ सकते हैं। हमके दो चीज़ बड़ा क्लियर है, राजनीतिक पार्टी अलग अलग है, जनता दल यूनाइटेड एक अलग पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी एक अलग पार्टी है, दोनों के विचारधारा अलग हैं। हम दोनों बिहार के विकास के लिए एक हुए। याद कीजिए 1996 में पहली बार गठबंधन बना, उसके पहले BJP और समता पार्टी अलग लड़ती थी। 96 में जब दोनों का गठबंधन हुआ तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बिहार को बढ़ा रहे हैं, देश को बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम मुद्दे से नहीं हटकते, ना अटकते हैं ना भटकते हैं। 1952 में हमारे पूर्वज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सपना देखा था, उसको पूरा करने में समय जरूर लगा, लेकिन 70 वर्ष के बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो 370 को भी उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंकने का काम। अब किसने समर्थन दिया नहीं दिया ये तो डिबेट का बात नहीं, लेकिन जब हमको मौका मिलेगा तो हम पूरी तरह व्यवस्था को खड़ा करने का प्रयास करेंगे। सहयोगी दल को हम जरूर आग्रह करेंगे कि इसमें हम लोगों को साथ दे और देश के नौजवानों को और मजबूत और स्वस्थ बनाने में भी हम बड़ा योगदान अग्निवीरों के साथ करेंगे। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए, वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।